अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? पहली बात तो मैं रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ आपको। आज चांद दिखा है और इंशाल्लाह कल से रोज़े हैं। तो आज का जो मेरा प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का नाम है दहनल ऊद मलकी। दहनल ऊद तो आप सब लोग वाकिफ़ होंगे पहले से ही। दहनल ऊद जो है उसमें कंसंट्रेशन होता है ऊद का बहुत ज़्यादा। तो जो प्रोडक्ट है मेरा दहनल ऊद मलकी, हम ज़्यादा देर ना करते हुए उसकी तरफ बात करेंगे। पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको ऐसी अतर और परफ्यूम रिलेटेड वीडियोस देखने में पसंद है, उसके रिव्यूज़ देखना पसंद है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियोज़ मिलती रहें। तो अब हम चलते हैं अपने प्रोडक्ट की तरफ। जैसा कि ऊद आप लोग सब वाकिफ़ हैं कि ऊद क्या होता है। ऊद एक नेचुरल इंग्रेडिएंट होता है जो कि पेड़ों से बनाया जाता है। एक तरह का पेड़ होता है जिससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है और ये बहुत कॉस्टली होता है। ऊद जो है बहुत कॉस्टली होता है और जगह जगह का ऊद जो होता है, जैसे इंडिया में जो है वो हिंदी ऊद बोला जाता है उसे, और अगर वुड ऊद होता है और कंबोडिया ऊद होता है, मलाई ऊद होता है, बहुत तरह जगह जगह के हिसाब से जो है जिस जगह जो पेड़ होता है उस जगह को वो ऊद बोला जाता है। मोस्टली जो है इंडिया में वो इंडिया हिंदी ऊद चलता है। तो जो मेरा प्रोडक्ट है दहनल ऊद मलकी, उसकी बोतल ये है। ये मैंने लूज़ में लिया था क्योंकि ये बहुत कॉस्टली होता है। और ये लेकिन इसकी बोतल जो उन्होंने दी थी तो ये बहुत अच्छी बोतल दी है, एकदम थोड़ी जो जिसे कहते हैं कि गिफ्ट के में आप दे सकते हैं इसे गिफ्ट करने के लिए। तो अब हम थोड़ा सा इसे स्निफ करते हैं, इसे देखते हैं लेकर के कैसा है इसका कॉम्पोजिशन और सारी चीज़ें। तो हम देखते हैं इसे। ये आप देख सकते हैं काफ़ी स्टिकी है ये। और जैसा कि मैंने एक वीडियो में अपनी बताया था कि जो रियल ऊद या रियल एक्सट्रैक्ट होता है नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का, वो जितना स्टिकी होगा उतना ज़्यादा जो है वो उसमें कॉम्पोजिशन होगा, उस चीज़ का एक्सट्रैक्शन ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा। तो अब हम इसे थोड़ा सा स्निफ करते हैं और देखते हैं इसकी क्या इसमें है। तो अगर सबसे पहले हम स्निफ करते हैं, इसमें हमें सबसे ज़्यादा जो इसमें स्मेल आ रही है फ्रेग्रेंस की, तो वो सबसे ज़्यादा अंबर की आ रही है, अंबर मुश्क। और अगर हम ओवरऑल इसके कॉम्पोजिशन इसका देखें तो इसमें अंबर मुश्क मिलेगा हमें और सैंडल भी इसमें मिलेगा हमें, और इसमें अगरवुड ऊद भी मिलेगा जिसे हम हिंदी ऊद उसे हम बोल सकते हैं। तो अगरवुड ऊद है इसमें और प्लस ये लिटिल वुडी और स्पाइसी भी है, तो थोड़ी एनिमलिक भी खुशबू हो जाती है, एनिमलिक खुशबू हो जाती है थोड़ी। लेकिन जिस तरह की, जैसे कि आप लोगों ने सुना है कि ऊद जो है बहुत एक टॉक्सिक की तरह होती है, लोग उसे पसंद नहीं करते, उसके बहुत कम यूज़र होते हैं, जो पसंद करते हैं उन्हें ही पसंद आती है, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है। दहनल ऊद मलकी के साथ ऐसा नहीं है। आप इसे, ये नॉन इरीटेटिंग ऊद है, नॉन टॉक्सिक ऊद है, इसे आप यूज़ कर सकते हैं। जो अगर नहीं भी पसंद करते वो भी यूज़ कर सकते हैं। इतना ज़्यादा ये जो है नहीं चढ़ती है, सर पर नहीं चढ़ती है या नाक में, या परेशान नहीं करती, ज़्यादा टॉक्सिक नहीं है, तो इसे ओवरऑल जो है आप इसे पसंद करेंगे। तो अब जैसे कि मैंने इसे काफ़ी दिन से इसे यूज़ कर रहा था, तो मैं इसका प्रोजेक्शन के बारे में इसको आपको बताऊँ, तो इसका प्रोजेक्शन जो है वो 2 to 3 hours रहता है और अच्छा प्रोजेक्शन है इसका, काफ़ी प्रोजेक्ट करता है। और आज ही की बात है कि मैंने लगा रखा था, एक साहब से मैं मिला तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी आपने अतर लगा रखी है, कौन सी है, उन्होंने इसके बारे में पूछा मुझसे। तो इसका प्रोजेक्शन तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसकी लॉन्जेविटी की मैं बात करूँ तो लॉन्जेविटी ने इसने मुझे ज़्यादा इम्प्रेस नहीं किया। और इसकी एक वजह यह हो सकती है, इसलिए मुझे लगा कि ये समर परफ्यूम नहीं है, ये जो है विंटर अतर है। ये विंटर में ये ज़्यादा इसकी लॉन्जेविटी बढ़ जाएगी मेरे ख्याल से, आई थिंक कम से कम 8 से 10 घंटे या 12 घंटे की ये लॉन्जेविटी देगी विंटर्स में। लेकिन समर में मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी, तो समर में इसकी लॉन्जेविटी 6 to 7 hours रह जाती है सिर्फ, और कभी कभी 6 6.5 घंटे भी इसकी रह जाती है क्लोथ्स पर।
तो इसकी ये लॉन्जेविटी थी, तो लॉन्जेविटी इसकी ज़्यादा ख़ास नहीं है, लेकिन जो इसमें एक ऊद है, अगरवुड ऊद का जो इसमें टच दिया गया है वो मुझे, अगरवुड ऊद मुझे बहुत पसंद है, जो कि बहुत सारी अदर्स में होता है और काफ़ी कॉस्टली। अगरवुड ऊद की अगर बात करें तो 1 केजी जो है वो 70 से 75 लाख तक का भी आता है अगरवुड ऊद, तो ये काफ़ी कॉस्टली हो जाती है इस वजह से, ये दहनल ऊद मलकी। तो ये इसका बारे में था, कॉम्पोजिशन वगैरह सब चीज़ें। अब हम इसकी बात करेंगे, आप इसे कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो इसे आप हर जगह यूज़ कर सकते हैं, आप ऑफिस में, पार्टी में, हर जगह यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये नॉन टॉक्सिक है, लोगों को इरिटेट नहीं करती है, तो आप इसे हर जगह यूज़ कर सकते हैं। बस ये ख्याल रहे कि आपको समर में इसे थोड़ा ज़्यादा ड्रॉप आपको लेना है ताकि इसकी लॉन्जेविटी बढ़ जाए, क्योंकि वो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कितना यूज़ कर रहे हैं, किस जगह पर यूज़ कर रहे हैं, वो उसके हिसाब से इसकी लॉन्जेविटी ऊपर नीचे होती रहती है। तो ये कुल मिला के ये सब आज के लिए था, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और कमेंट करें, और कमेंट में बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। अस्सलामु अलैकुम।